हाँ, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर फंडा फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन। टुडे वी स्टार्ट द सेकंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स, दैट इज अ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसका हम आज फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, वन थिंग इज दैट कि इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो पर आप अपने कमेंट भी दे सकते हैं और साथ में इसको अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में आप शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि वो लोग फायदा उठा सकें जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो विद दिस नोट स्टार्ट विद द पार्ट वन। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि फोर्स, व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या है। फोर्स क्या है कि दैट इज अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड अ फोर्स। ये इसके एक डेफिनेशन है। अगर इसको हम अपने डेली लाइफ में कनेक्ट करें, जैसे कि मैं एक डोर का एग्जाम्पल लेती हूँ, तो अगर उस डोर को हमें खोलना है या बंद करना है, आइदर वी उसे क्लोज करना है या ओपन करना है, तो हमें उसको एक पुल और पुश देना होगा ऑन द हैंडल। डोर को खोलने के लिए हम उसको बाहर की तरफ धक्का देते हैं, और जबकि उसको बंद करने के लिए हम उसको अंदर की तरफ अपनी तरफ खींचते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि इसी पुश और पुल को फोर्स कहा जाता है, दैट इज द, इसको हिंदी में कहते हैं बल। इसको डेली लाइफ में आप किस तरीके से फोर्स को ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज पुश, पुशिंग एंड पुलिंग एंड लिफ्टिंग। लिफ्टिंग मीन्स किसी चीज को, जैसे कोई हैवी बॉक्स जमीन पर रखा है उसको उठाना, वो भी एक तरीके का फोर्स है। एंड स्ट्रेचिंग एंड ट्विस्टिंग, जैसे हम रबर बैंड को खींचते हैं, उसको ट्विस्ट करते हैं, तो वो भी एक तरीके का फोर्स है। ये अपनी डेली लाइफ में हम ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं ये हम ऑब्जर्व करते हैं। इसको हम फिजिक्स के टर्म में हमने नेम दिया है फोर्स, दैट इज द फोर्स। अब फोर्स का मींस फोर्स को हम देख तो नहीं सकते, वी कैन नॉट सी द फोर्स। इसका सिर्फ इफेक्ट हम उस बॉडी के ऊपर ऑब्जर्व कर सकते हैं, ओनली द इफेक्ट कि उस फोर्स के द्वारा उस बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ा है, उसे हम ऑब्जर्व करके पता लगाते हैं कि अच्छा इसके ऊपर फोर्स कोई अप्लाई हुआ है। व्हाट आर दीज इफेक्ट, वो इफेक्ट क्या है। फोर्स अप्लाई करके आइदर यू कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, आप किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो मूव स्टेशनरी, जो एक बॉडी है जो एक जगह पे स्थिर है उसको मूव भी कर सकते हैं। दीज आर द इफेक्ट। एंड व्हाट एल्स, यू कैन चेंज द स्पीड ऑल्सो, चेंज द स्पीड एंड यू कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन, उसकी दिशा बदल सकते हैं। एंड लास्ट थिंग इज दैट चेंज इन शेप ऑल्सो। तो ये कुछ इफेक्ट हैं जो कि किसी बॉडी पे जब फोर्स अप्लाई होता है तो ये हमें इफेक्ट ऑब्जर्व होते हैं। इनके द्वारा हम कह सकते हैं कि उस बॉडी के ऊपर किसी फोर्स का एप्लीकेशन हुआ है। अदरवाइज फोर्स हम ऐसे सीनेबल वो चीज़ नहीं है जिसको हम अपने डायरेक्ट आई से देख सकें कि वहाँ पे फोर्स लग रहा है। सो दीज आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। सो अब हम इसके आगे देखेंगे कि फोर्स कितने तरीके का होता है। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, फोर्स को हमने दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया है, दैट इज द बैलेंस फोर्स एंड द अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होते हैं, बैलेंस फोर्स होते हैं जब किसी बॉडी पे जो जितने भी फोर्स अप्लाई हो रहे हैं वो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। जैसे कि मैं एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेती हूँ, ये मान लीजिए कि एक यहाँ पे एक हैवी बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स विच इज लाइंग ऑन अ फ्लोर, ये एक फ्लोर के ऊपर जमीन के ऊपर रखा हुआ है। अब मैं इस बॉक्स को मूव करना चाहती हूँ, ये बॉक्स अभी स्टेशनरी है, मैं चाहती हूँ कि मैं इस हैवी बॉक्स को मूव कर दूँ। सो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से एक फोर्स अप्लाई करूँगी, वी अप्लाई अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, दैट इज पुश फोर्स, मतलब मैंने इसको धक्का दिया, मैं इसको हिलाना चाहती हूँ इसकी जगह से।
इसके अपोजिट एक फोर्स और अप्लाई होगा, दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मीन्स घर्षण. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इस बॉक्स पे नीचे की तरफ एक फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा ड्यू टू द वेट ऑफ द बॉक्स. जितना इसका बॉक्स का वेट है उसके हिसाब से फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पे नीचे की तरफ एक्ट करेगा. इसी के अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा, दैट इज द फोर्स ऑफ रिएक्शन. फोर्स ऑफ रिएक्शन, वो फोर्स कौन एक्ट करेगा, दैट इज एक्सर्टेड बाय दिस ग्राउंड. तो होगा ये कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है और फोर्स ऑफ रिएक्शन है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में. उनकी जो क्वांटिटी है, जो मैग्नीट्यूड है, वो इक्वल होगा. फोर्स, जो पुश का फोर्स है और फ्रिक्शन का फोर्स है, वो भी यहाँ पर इक्वल हो गए. सो देयरफॉर होगा ये कि ये जो बॉक्स है ये स्टेशनरी ही रहेगा, इसको मैं मूव नहीं कर पाऊंगी. सो ये तब पॉसिबल हुआ जब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ पुश, जो कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें. इस केस को कहा जाता है बैलेंस्ड फोर्स. मींस कि जब किसी बॉडी पे जो फोर्स एक्ट हो रहे हैं वो सब एक दूसरे को निल आउट कर दें, वो उनका जो उनका रिजल्टेंट आएगा दैट इज जीरो. द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो. उस फोर्स को कहा जाता है बैलेंस्ड फोर्स. देन कम टू द अनबैलेंस्ड फोर्स. अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं? जैसे मैंने एक बॉक्स का जो पिछले स्लाइड में मैंने एग्जांपल लिया था, उसी बॉक्स को मैं मूव कर सकती हूँ, बशर्ते कि इस बॉक्स पर जो मैंने यहाँ से पुश एक फोर्स दिया था, जो एक धक्का उसको दिया था, वो पुश फोर्स इस फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाए. इस फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो उससे एक्सेल हो जाए, उससे ज़्यादा हो जाए, तभी जो है ये मैं इसको धक्का दे पाऊंगी, इसको उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर पाऊंगी, हिला पाऊंगी. यहाँ जो ऊपर फोर्स एक्ट हो रहे हैं ये तो ऑफ कोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. फोर्स ऑफ ग्रेविटी और यहाँ ऊपर एक्ट कर रहा है फोर्स ऑफ रिएक्शन, दैट इज एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड. जिस ग्राउंड पे वो रखा हुआ है, वो जो फोर्स एक्सर्ट ऊपर की तरफ कर रहा है, उसको फोर्स ऑफ रिएक्शन कहा जाता है. सो ये मैंने पिछला ही एक एग्जाम्पल लिया है, जो मैंने एक बॉक्स का एग्जाम्पल बैलेंस फोर्स के केस में लिया था. बैलेंस्ड फोर्स वो होते हैं जब सारे जो फोर्स है वो निल आउट कर दें एक दूसरे को. अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है कि जब जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो नहीं होगा. दैट मीन्स ये फोर्स ऑफ रिएक्शन और फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन फोर्स ऑफ पुश एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे. ये अपोजिट डायरेक्शन में तो हैं, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग है. मैंने इसको ज़्यादा पावर के साथ, ज़्यादा एफर्ट के साथ पुश किया है, देयरफॉर वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से आगे हो जाएगा. देयरफॉर अब क्या होगा कि ये बॉक्स अपनी जगह से हिल जाएगा. दिस टाइप का जो फोर्स होता है उसको हम अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं. इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, द फोर्स आर कॉल्ड द अनबैलेंस्ड फोर्स. इनको अनबैलेंस्ड फोर्स कहा जाता है. जैसे कि ये मैंने एक टॉय कार का इधर एग्जाम्पल पिक्चर में लिया है. यहाँ जो ये टॉय कार है, इस टॉय कार को मैंने इस तरफ से इसको धक्का दिया, दैट मीन्स ये जो है दैट इज द, यहाँ जो फोर्स लगेगा दैट इज द पुश फोर्स, जो कि इस डायरेक्शन में इसको मूव कर रहा है कार को. और इसका जो अपोजिट है वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इन व्हील्स की वजह से कार के केस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा, घर्षण का जो बल है वो कम हो जाएगा, इसी वजह से कार आगे की तरफ बढ़ जाती है. ये बॉक्स का जो एग्जांपल मैंने लिया है दैट इज अ हाइपोथेटिकल, क्योंकि यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम करने के लिए मैंने कोई व्हील्स और इस तरीके से यहाँ पर नहीं दिखाए हैं. दिस इज अ एक हाइपोथेटिकल मैंने एग्जाम्पल लिया है कि किस केस में हम कहेंगे कि वो अनबैलेंस्ड फोर्स है. अगर आप रियल लाइफ में देखें तो जो टॉय कार का एग्जाम्पल है दैट इज अ रियल थिंग, क्योंकि इन जो व्हील्स की वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो गया है. इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कम होने की वजह से जो पुश फोर्स है, जो हमने अपने हाथ से इसको धक्का दिया है, वो ज्यादा हो जाएगा एंड कार दैट मूव्स इन द डायरेक्शन. टू मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट
पुशिंग फोर्स शुड बी ग्रेटर देन द अपोजिंग फ्रिक्शन फोर्स। ये मैंने पहले भी जो स्लाइड में बताया है कि किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, टू मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, पुशिंग फोर्स शुड बी ग्रेटर देन द अपोजिंग फ्रिक्शन फोर्स, तभी जो है वो जो ऑब्जेक्ट है वो आगे मूव कर पाएगा। अनबैलेंस्ड फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन इन द बॉडी और कैन स्टॉप अ बॉडी। ओनली एंड ओनली जो अनबैलेंस्ड फोर्स होते हैं वो ही किसी बॉडी में जो मोशन होता है उसको स्टॉप कर सकते हैं और या किसी स्टेशनरी बॉडी को आगे मूव कर सकते हैं। तो जब भी हम अपनी डेली लाइफ में फोर्स की बात करते हैं, दैट इज़ द अनबैलेंस्ड फोर्स, वो अनबैलेंस्ड फोर्स ही होता है, क्योंकि उसी का इफेक्ट है बॉडी पे जो कि हमें दिखाई देता है। अनबैलेंस्ड फोर्स कैन ओनली, दिस इज ओनली द फोर्स, यही वो फोर्स है अनबैलेंस्ड फोर्स जो किसी बॉडी में मोशन प्रोड्यूस कर सकता है और या उसको रोक सकता है। लेट अस कम टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। दिस इज पिक्चर सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने लॉज ऑफ मोशन दिए थे एंड ऑल्सो द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दिस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड लॉज ऑफ मोशन, these important laws of physics, these are given by the Sir Isaac Newton. So इनका first law of motion क्या था? What is the first law of motion? हम अपनी daily life में क्या देखते हैं? Daily life में हम दो तरीके के objects को देखते हैं, या तो वो object stationary हैं, either they are stationary, वो अपनी जगह पे स्थिर हैं, और या फिर वो motion में हैं। तो जो सर न्यूटन का जो first law था वो इन्हीं तरीके के objects के behavior को describe करता है। दैट मीन्स जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है दैट इज एप्लीकेबल टू अ स्टेशनरी बॉडी, ये किसी स्टेशनरी बॉडी पर एप्लीकेबल है जो कि अपनी जगह पर स्थिर है, और दूसरा ये उन बॉडीज पे अप्लाई होता है जो कि इन अ यूनिफॉर्म मोशन है, इन अ स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरी बात कि दे आर इन स्ट्रेट लाइन, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। इन्हीं दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल होता है। नाउ व्हाट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट और मोशन। इस जो लॉ में कहा गया है दैट इज कि कोई बॉडी जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते उसको वहाँ से हिलाने के लिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे मैं लेती हूँ कि टेबल पे एक बुक रखी है, मान लीजिए ये एक टेबल है, इस टेबल पे एक बुक रखी हुई है। अब ये जो बुक है ये स्टेशनरी है, ये स्टेशनरी ही रहेगी, ये इसी पोजीशन में ही रहेगी जब तक मैं इसको यहाँ से लिफ्ट नहीं करती, इसको मैं यहाँ से हटाती नहीं, तब तक ये बुक इसी तरह टेबल पे रहेगी। दिस इज द लॉ ऑफ, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ कि कोई बॉल है, तो वो बॉल जैसे मान लीजिए क्रिकेट की बॉल है या कोई टेनिस बॉल है, फुटबॉल है, उसको हमने फेंका, वो मोशन में है, वो इस वक्त मूव कर रही है, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा वो रुकेगी नहीं। मीन्स आइदर दिस फोर्स इज बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस, मे बी कि ये हो सकता है कि वो फोर्स हवा का विरोध हो, या हो सकता है कि वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो, और आइदर दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय अस ऑल्सो, हो सकता है हमारे हाथ से वो बॉल रुकी हो, कुछ ना कुछ तो फोर्स ऐसा अप्लाई होगा जिसकी वजह से वो बॉल जो मोशन में है वो रुकेगी। सो दिस इज अ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में, एक जनरल लैंग्वेज में समझाया। दैट इज अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, वो ऐसे रहना पसंद करती है जब तक कि हम उसको उसकी उस पोजीशन से, मीन्स कि उसके उस स्टेट से हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते, और वो हम कैसे कर पाएंगे, जब हम उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। सेम थिंग अप्लाई होती है जब कोई बॉडी कोई जो मूविंग बॉडी है जो मोशन में है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, वो ऐसे ही चलती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। आइदर दिस मे बी एयर रेजिस्टेंस, मे बी द फ्रिक्शन, और मे बी द एनी अदर फोर्स अप्लाइड बाय अस आल्सो। सो दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। नाउ कम टू द टर्म दैट इज द इनर्शिया।
इनर्शिया का हिंदी में मीनिंग देखा जाए तो मींस होता है जड़ता। मींस इसका मतलब है कि टेंडेंसी और अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट में ही रहना पसंद करती है। मींस अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना पसंद करेगी, अगर वो चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। मींस कि वो जो बॉडी है वो अपनी स्टेट से हिलना पसंद नहीं करती, वो उसको रेजिस्ट करती है, वो उसका विरोध करती है। इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द चेंज। वो अपने अंदर जो स्टेट का चेंज आता है, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो उसको अपोज करती है। अगर कोई बुक रखी है तो वो उसी उसमें उसका जो टेंडेंसी है वो ये रहेगी कि वो स्टेशनरी ही रहे। जब हम उसको उठाएंगे, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो वो उसका अंदर से एक रेजिस्टेंस आएगा। वट इज दैट रेजिस्टेंस? दैट इज द इनर्शिया, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द मास। इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी। जो जितनी ज्यादा हैवी बॉडी होगी, जितना उस थिंग का मास ज्यादा होगा, उतना ज्यादा उसका इनर्शिया होगा, उतना ज्यादा उसकी टेंडेंसी होगी कि वो अपनी जो चेंज आ रहा है स्टेट में उसको रेजिस्ट करे। हैवियर ऑब्जेक्ट हैव मोर इनर्शिया देन द लाइटर ऑब्जेक्ट। जो हैवियर ऑब्जेक्ट होते हैं उनका इनर्शिया ज्यादा होता है देन द लाइटर ऑब्जेक्ट। टू ओवरकम द इनर्शिया वी मस्ट अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स। इस इनर्शिया को ओवर करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए विरोध कर रही है। दैट मीन्स वो रेजिस्ट कर रही है, वो नहीं चाहती अपनी जगह से हिलना। उसको उसकी जगह से, उसको उसकी स्टेट से हिलाने के लिए हमको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। दैट इज द एक्सटर्नल फोर्स और एफ, एंड दिस एफ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो फोर्स है इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मींस वेक्टर क्या होता है? वेक्टर होता है मींस इट हैज डायरेक्शन। ये डायरेक्शन दैट मींस ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके अंदर डायरेक्शन है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इनर्शिया का एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेती हूँ। जैसे कि एक क्रिकेट बॉल है और एक टेनिस की बॉल है, दोनों के मास में फर्क है। दैट मींस कि जो क्रिकेट की बॉल है उसका मास ज्यादा है। क्रिकेट बॉल इज हैवियर एंड इट हैज मोर मास। उसका जो मास है वो ज्यादा है। और वाइल जो एक टेनिस बॉल है वो हल्की होती है, उसका जो मास होता है वो कम होता है। तो अगर हम दोनों को एक साथ फेंका जाए तो उसको रोकने के लिए, दैट मीन्स उसकी मोशन को रोकने के लिए, क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए हमें ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, हमको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, उसके अंदर ज़्यादा इनर्शिया है, वो अपने मोशन की स्टेट को रोकने के लिए ज़्यादा रेजिस्ट करेगी। सो देयरफॉर वी हैव टू अप्लाई मोर फोर्स। एंड टेनिस बॉल को रोकने के लिए हमको कम फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, वो ईजिली रुक जाती है क्योंकि उसका मास कम होता है। देयरफॉर उसका इनर्शिया मीन्स उसकी जो रेजिस्टेंस पावर होती है अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए। यहाँ उनकी स्टेट क्या है? दैट इज कि वो मूव कर रही हैं, दे आर इन मोशन। दोनों क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल दोनों एक स्टेट लाइन में मूव कर रही हैं। उन दोनों को रोकने के लिए हमें अलग अलग एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए हमें ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जबकि टेनिस बॉल को रोकने के लिए हमें कम फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। This is the inertia. When a bus starts suddenly, here are some जो एक common phenomenon है daily life में हम इसको experience करते हैं, उनको हम Newton's first law के base पर उनको हम explain करते हैं। And ये जो हमारे daily life के experience है, इनके ऊपर base question, Newton's first law के base questions exams में ही पूछे जाते हैं। When a bus starts suddenly, the passenger fall backward. जब अचानक से बस स्टार्ट होती है तो उसमें पैसेंजर बैठे हुए हैं, वो पैसेंजर अपने आप को पीछे की तरफ एक धक्का महसूस करते हैं, जबकि बस है वो स्टार्ट हो गई है, बस आगे की तरफ जा रही है। सो मींस क्या ये इस तरीके से क्यों फील होता है? जो अंदर पैसेंजर बैठे हैं वो पीछे की तरफ, उनको धक्का क्यों लगता है? क्योंकि जो बस है वो इस तरीके से आगे मूव कर गई। बस का तो मूवमेंट हो गया, लेकिन बस और जो अंदर पैसेंजर हैं वो पहले स्टेशनरी स्टेट में थे, वो एक जगह पे स्थिर थे। तो जैसे ही बस स्टार्ट हुई, बस तो आगे मूव हो गई, वो तो मोशन में आ गई,
लेकिन जो अंदर पैसेंजर थे वो स्टिल अपनी इसी स्टेशनरी स्टेट में रह गए. मीन्स पैसेंजर आर इन स्टेशनरी स्टेट, वो अभी भी स्थिर ही हैं. सो देयरफॉर बस का मूवमेंट तो आगे हो गया, जबकि पैसेंजर अपने आप को पीछे की तरफ धक्का महसूस करते हैं क्योंकि वो अभी भी उसी स्टेट में हैं. दे आर इन द स्टेशनरी स्टेट. सेम थिंग, जब कोई बस अचानक से स्टॉप होती है तो पैसेंजर को जो धक्का लगता है वो आगे की तरफ लगता है, बिकॉज क्योंकि पहले बस और पैसेंजर बोथ आर इन मोशन, पहले दोनों ही मोशन में थे, आर इन मोशन. लेकिन जैसे ही बस रुकी, बस तो स्टॉप हो गई, दैट स्टॉप मतलब इसमें तो मोशन रुक गया लेकिन पैसेंजर्स का मोशन जारी है. मींस उनका जो उनकी बॉडी है वो उनको आगे की तरफ पुल कर रही है जबकि बस वहीं रुक गई है. सो देयरफॉर दे एक्सपीरियंस अ फॉरवर्ड जर्क्ड, उनको आगे की तरफ धक्का लगता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन. When a hanging carpet is beaten with a stick, अगर एक कारपेट को हैंग किया हुआ है और उसको स्टिक से बीट करते हैं तो उसमें से जितने भी धूल मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे गिरने लगते हैं. What is the reason? उसका रीजन ये होता है कि जब उसको स्टिक से बीट किया तो कारपेट के अंदर एक मोशन प्रोड्यूस होता है, वो आगे और पीछे उसका मोशन होता है. इसको कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन. आगे और पीछे कारपेट का मोशन होने लगता है, मीन्स कारपेट में तो मोशन हो गया, कारपेट का मोशन स्टार्ट हो गया टू एंड फ्रो, आगे पीछे मोशन, लेकिन जो उसमें डस्ट पार्टिकल थे वो दे रिमेन एट द स्टेशनरी, वो स्टेशनरी ही रह गए. सो देयरफॉर कारपेट तो आगे पीछे हो गया, वो स्टेशनरी अपनी स्टेट में ही रह गए. देयरफॉर दे फॉल आउट, वो नीचे गिर जाते हैं. सो ऑल दिस थ्री फिनोमिनन जनरल जो हम अपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, दैट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूटन फर्स्ट लॉ. नाउ कम टू द टर्म मोमेंटम. ये मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज अ फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी. यहाँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेती हूँ, दैट इज अगेन मैं वही क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल का एग्जाम्पल लेती हूँ. दैट इज द एक क्रिकेट बॉल है एंड एक टेनिस की बॉल है. इन दोनों के मास में डिफरेंट मास का डिफरेंस है. दैट मीन्स क्रिकेट बॉल जो है वो हैवी है एंड जो टेनिस बॉल है वो लाइट है, वो हल्की है, उसका वेट कम है. तो अगर हम दोनों को सेम स्पीड के साथ फेंकें तो हमें क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी तो सेम है, अब यहाँ पे क्या डिफरेंट है? मास. क्रिकेट बॉल का मास ज़्यादा है, टेनिस बॉल का मास कम है. जो जितना जितना ज़्यादा हैवी बॉडी होगी उसको रोकने के लिए हमें उतनी ही ज़्यादा फोर्स की अप्लाई की ज़रूरत होगी. इसका मतलब क्या होता है? मीन्स ये कि दैट फोर्स applied or force needed to stop the ball is directly proportional to its mass. ये जो sign है ये proportionality का sign है. Means जो force apply करेंगे हम किसी body पे वो उसके mass के proportional होगा. जो जितना ज़्यादा heavier body होगी उस पर हमें उतना ही force apply करना पड़ेगा उसे रोकने के लिए या उसको आगे move करने के लिए, उसका जो state है motion की या उसकी स्टेशनरी स्टेट है उसको चेंज करने के लिए. इस केस में क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल दोनों ही मूव कर रही हैं, दे आर इन मोशन. इन दोनों को रोकने के लिए हमें अलग अलग फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी. क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए क्योंकि ये हैवी है हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, वाइल हमें टेनिस बॉल को रोकने के लिए कम फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी. इसका मतलब क्या आता है कि दैट इज फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास ऑफ द बॉडी. सेकेंड मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, दैट इज दो क्रिकेट बॉल ले लेते हैं. दोनों क्रिकेट बॉल का मास तो सेम होगा, टू क्रिकेट बॉल्स हैव दे हैविंग सेम मास. इसका मतलब है कि उनमें अब हमने मास सेम रख दिया और उनको हमने डिफरेंट वेलोसिटी से डिफरेंट स्पीड से फेंका. तो जब डिफरेंट स्पीड से फेंका, जिसकी क्रिकेट बॉल की स्पीड ज़्यादा होगी
उसको रोकने के लिए हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, हमें ज्यादा फोर्स, ज्यादा एफर्ट की जरूरत होगी. सो देयरफॉर यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, दैट इज फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. जिस बॉल की वेलोसिटी ज्यादा है, दो क्रिकेट बॉल फेंकी है, ऑफकोर्स उनका मास तो जो है वो सेम होगा क्योंकि दोनों एक ही मटेरियल की बनी हुई हैं, लेकिन उनको हमने डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से फेंका है. तो जो बॉल ज्यादा तेज स्पीड से आ रही है, ज्यादा उसकी वेलोसिटी तेज है, उसको रोकने के लिए हमको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. मींस फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. यहां से क्या इन दो जो मैंने इसके इम्प्लाइज निकाले हैं, दैट इज उससे क्या मतलब निकलता है, मींस क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज डिपेंड ऑन मास एंड वेलोसिटी. वो मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं. इसी क्वांटिटी ऑफ मोशन को नाम दिया गया है मोमेंटम. दैट इज द मोमेंटम. और ये मोमेंटम की फॉर्मूला क्या है, दैट मींस द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी. सो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. इसका जो सिंबल है दैट इज पी. एम मास का सिंबल है एम एंड वेलोसिटी का सिंबल है वी. सो एज यू नो द वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो मोमेंटम इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. एम एज यू नो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स इसकी डायरेक्शन होती है. एंड इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी. वट अबाउट द यूनिट, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी. इसके एसआई यूनिट निकालने के लिए मास की एसआई यूनिट है किलोग्राम इंटू वेलोसिटी की एसआई यूनिट एज यू नो दैट इज मीटर सेकेंड इनवर्स, मीटर पर सेकेंड. सो देयरफॉर इसकी यूनिट बनती है एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स. दिस इज अ यूनिट ऑफ मोमेंटम. नाउ कम टू द न्यूमेरिकल पार्ट. कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ टॉय कार ऑफ मास 200 ग्राम मूविंग विद अ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड. एज यू नो जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी यूनिट पे आप ध्यान दीजिए. मेक श्योर कि जो यूनिट्स हैं, जितने पैरामीटर्स दिए हैं, वो सब एसआई यूनिट में हो, अदरवाइज यू एंड अप विद अ रॉन्ग आंसर. यहाँ पे वेलोसिटी हमें दी हुई है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे इनकी यूनिट का कोई इशू नहीं है क्योंकि वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड है, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. वट अबाउट मास, मास है हमें दिया हुआ है 200 ग्राम. ग्राम इज नॉट अ एसआई यूनिट ऑफ मास. मास की जो एसआई यूनिट है वो केजी है. सो इसको हमें ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में. क्या रिलेशन है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. सो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए अब हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 1000. मींस ये आ गया 0.2 किलोग्राम. सो मास यहां से निकल गया 0.2 केजी. अब नाउ पुट इन द फॉर्मूला, हमें निकालना है मोमेंटम ऑफ अ टॉय कार. मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, पी इज इक्वल टू एम इनटू वी. दैट इज एम 0.2 केजी इनटू वी, दैट इज द वेलोसिटी गिवन इन द क्वेश्चन 5 मीटर पर सेकेंड. इसको सॉल्व कर लीजिए, दैट इज 2/10 केजी इनटू 5 मीटर पर सेकेंड. सो आंसर यहां से आता है 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स. सो दिस इज द आंसर. व्हाट इज द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ अ कार. अब यहां पे हमें चेंज इन द मोमेंटम निकालना है ऑफ अ कार वेइंग 1500 केजी. इसका वेट हमें दिया हुआ है एंड इट्स स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर.
यहाँ पर ये देखिए कि जो वेट है वो हमें किलोग्राम में गिवन है, लेकिन स्पीड हमें यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है. सो किलोमीटर पर आवर को हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन, इसके लिए क्या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? दैट इज जो मोमेंटम का है फॉर्मूला, दैट इज पी इंटू एम वी. हमने ये फॉर्मूला लास्ट स्लाइड में देखा है. अगर जैसे मैंने बताया ये वेक्टर क्वांटिटी है, पी इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, वी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. सो देयर फोर हम मोमेंटम में चेंज और वेलोसिटी में चेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग अ फॉर्मूला, दैट इज डेल्टा पी इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी, वेर डेल्टा इज द चेंज इन द वेलोसिटी एंड डेल्टा पी इज द चेंज इन द मोमेंटम. ये डेल्टा का मतलब चेंज होता है, दैट मीन्स पी टू माइनस पी वन, और द डेल्टा वी इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन. सो देयर फॉर सब्सटीट्यूट द इक्वेशन, सब्सटीट्यूट द जितना हमें गिवन है. यहाँ पे हमें मास गिवन है, मास तो दैट इज ऑल राइट कि इसमें ये केजी में ही गिवन है, लेकिन व्हाट अबाउट द वेलोसिटी, वेलोसिटी सॉरी दैट इज स्पीड, स्पीड को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में. सो डेल्टा वी इज इक्वल टू 72 माइनस 36, ये जो आंसर आएगा ये आएगा किलोमीटर पर आवर में, मींस यहां पर आ गया 36 किलोमीटर पर आवर. अब इसका कन्वर्जन कैसे करेंगे? कन्वर्जन करने के लिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? दैट इज द 60 मिनट, एंड 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं. सो देयरफॉर टोटल आता है 3600 सेकंड्स. सब्सटीट्यूट दिस डाटा, दैट मीन्स 36, सबसे पहले किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे मल्टीप्लाइड बाय 1000. अब जो आर है, जो टाइम की यूनिट है वो डिनोमिनेटर में है, सो देयर फोर वी पुट इट इन द डिनोमिनेटर सेकेंड्स. तो आंसर जो आएगा वो मीटर पर सेकेंड में आएगा. यहां से इसको कट आउट कर दीजिए. सॉरी दैट इज 10 लेफ्ट, 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड. सो सब्सटीट्यूट द डाटा इन द इक्वेशन, डेल्टा पी इज इक्वल टू 1500 के जी इंटू 10 मीटर पर सेकेंड. सो आंसर यहां पर आता है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, दिस इज द आंसर. मेन थिंग इज दैट कि आप उसको यूनिट का जो जो कन्वर्जन है वो आप सही तरीके से कर लें. अ मैन थ्रोज अ बॉल वेइंग 500 ग्राम वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. अब यहाँ पे हम एक सिचुएशन दी हुई है कि एक आदमी ने बॉल ऊपर की तरफ फेंकी, उस बॉल का वेट कितना था? बॉल का वेट था 500 ग्राम. 500 ग्राम को यहाँ पे मास है 500 ग्राम. फर्स्ट थिंग इज दैट कन्वर्ट इट इनटू द केजी, केजी में कन्वर्ट करेंगे, इसका मतलब है ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1000 केजी. सो यहाँ पर आता है आंसर 1/2 केजी. वर्टिकली अपवर्ड, इसको वर्टिकली अपवर्ड मतलब होता है कि इसको ऊपर की तरह सीधा फेंका है. विद द स्पीड ऑफ वेलोसिटी इज गिवन एज 10 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे इसकी यूनिट की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ही, स्पीड हमें मीटर पर सेकंड में ही गिवन है. व्हाट विल बी इट्स इनिशियल मोमेंटम? अब हमसे मोमेंटम पूछा है इनिशियल, जब उसने बॉल फेंकी तो उसका मोमेंटम कितना था. तो सिंपली वी पुट द फॉर्मूला, दैट इज पी इज इक्वल टू एम इन टू वी, जहां पे एम हमें हमने निकाला था 1/2 के जी एंड वी इज 10 मीटर पर सेकेंड. देयरफॉर वी गेट द आंसर 5 किलोमीटर, सॉरी दैट इज 5 केजी मीटर सेकेंड इनवर्स. व्हाट वुड बी इट्स मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट? जब वो बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी, दैट मीन्स इन द स्काई, जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई उसके बाद दैट मीन्स वहां उसका मोमेंटम क्या हुआ? तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई उसके वहां पर क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. वेलोसिटी जीरो हो गई, सो देयरफॉर वो, क्योंकि दैट मीन्स वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आएगी. अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के बॉल फिर नीचे आना शुरू हो जाएगी क्योंकि वहां उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. तो सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला, दैट इज पी इज इक्वल टू एम इन टू वी. एम तो यहाँ पे 1/2 के जी ही रहेगा. वट अबाउट द वेलोसिटी? वो यहाँ पे जीरो हो गई क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी.
अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद बॉल नीचे आना शुरू हो जाएगी. सो देयरफॉर इन दैट केस पी इज जीरो. सो दिस इज द आंसर. विद दिस वी एंड अप विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फोर्स. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो पे आपने कमेंट दे सकते हैं, साथ में इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं. एंड अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. तीसरा करंट अफेयर पेज, तीसरा करंट अफेयर ग्रुप, जहाँ पे अपनी क्यूरीज डाल सकते हैं एंड जो हमारे एक्सपर्टीज हैं डेफिनेटली उसको सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प करेंगे. थैंक्स फॉर लिसनिंग मी. हैव अ नाइस डे.